Next question. X Limited is issuing equity share for rupees 100. Rate of earning of the company is 20%. So R is 20%. Well, the company has a policy of keeping retention ratio 0.40. Calculate dividend per share at the end of the third year. Calculate the rate at which the dividend per share and earning per share is growing on the annual basis. Two questions hai. मुझे आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में लिखिए. लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग दैट से हाउ टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द डिविडेंड पर शेयर एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. उसके लिए एक छोटा सा टेबल बनाएंगे. टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज ऑफ द ईयर, सेकेंड कॉलम है दैट इज द इन्वेस्टमेंट, थर्ड कॉलम होगा अर्निंग पर शेयर का, फोर्थ कॉलम होगा डिविडेंड पर शेयर का और फिफ्थ कॉलम होगा रिटेन्ड अर्निंग का. दैट इज द वे वी विल हैव सर्टेन कॉलम्स. फर्स्ट ईयर बिगिनिंग एज अ कंपनी मैंने 100 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए. व्हाट इज द रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी 20%. यानी हमने कितना कमाया, 20 रुपए कमाए. जो भी कमाया उसमें से हमने क्या किया, 40% बिजनेस पे री इन्वेस्ट किया और 60% का डिविडेंड पर शेयर. सो 20 × 0.6 दैट कम्स टू ₹12. बाकी का क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग. सो इट इज 20 − 12, इट मीन्स हम लोग 8 रुपए बिजनेस पे री इन्वेस्ट करेंगे. यस, एनीबडी कैन टेल मी दैट से व्हाट वुड बी द इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2. So second year beginning investment in the business will be 108. कैसे आया, 100 + 8. Again we earn at the rate of 20%. So 108 × 20%. That comes to 21.6. Whatever we earn out of that, say once again 60% is paid in form of dividend. That comes to 12.96. So the retained earning would be 21.6 − 12.96. That comes to 8 rupees 64 paise. Again, the third year beginning investment in the business is going to increase. It will be 108 + 8.64. That is 116.64, and so on. Further calculations will be made. So now 116.64 × 20%. That is 23.328. × 0.6. 13.9968. Next, 23.328 − 13.9968. जरूरत नहीं है, पर ऐसे टेबल कंप्लीट करने के लिए मैं लिख रहा हूं. 9.3312. दिस इज द वे वी मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द डिविडेंड पर शेयर फ्रॉम For third year, 13.9968. Second part of the question. You are required to calculate rate at which dividend per share and earning per share is growing on annual basis. So question mein ye pucha hai, what is the growth rate of the earning per share and dividend per share? Let us see that's how to calculate. Calculation of growth rate for earning per share. Let us see that se kaise calculate kiya ja sakta hai. It is first year, second year, third year earning per share. First year ka kitna hai 20 rupees,
सेकेंड ईयर का कितना है 21.6। सो व्हाट इज द चेंज इन अर्निंग पर शेयर, वो कैलकुलेट किया जाएगा। इट इज 21.6 माइनस 20, दैट कम्स टू 1.60 रुपीज। देन वी अंडरस्टैंड दैट से ईपीएस हो गया 23.328। सो 23.328 माइनस 21.6 दैट इज 1.728। अच्छा, सो वी अंडरस्टैंड दैट से 20 रुपए का अर्निंग 21.6 हो गया, यानी 1.60 रुपीज से इंक्रीज हुआ। सो इससे हम लोग ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, 1.60 का इंक्रीज ओवर 20 रुपीज। एंड देन 1.728 रुपए का इंक्रीज ओवर 21.6 रुपीज। ऐसा हम लोग समझते हैं। सो 1.6 अपॉन 20 × 100 दैट कम्स टू 8%। 1.728 अपॉन 21.6 इंटू 100 इज अगेन 8%। ऐसा करके हम लोग ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड इट इज 8% ऑन एनुअली कंपाउंडेड बेसिस। फ्रेंड्स, यही का यही आंसर हम लोग एक ऑल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हैं। ग्रोथ रेट इज फाउंड एज बी इंटू आर। बी का मतलब क्या होता है? रिटेंशन रेशियो। हम लोग रिटेन कितना करते हैं? 40% ऑफ द अर्निंग। और हम लोग कमाते हैं कितना? 20%। सो प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ देम इज 0.08, दैट इज 8%। ऐसा करके हम लोग ग्रोथ रेट का कैलकुलेशन कर सकते हैं, दैट इज 8%। अच्छा, यू कैन अंडरस्टैंड इट लॉजिकली ऑल्सो लाइक दिस, यूज अ कैलकुलेटर। देखो, हमने 8 रुपये बिजनेस पे री इन्वेस्ट किए, उसके ऊपर 20% कमाए, तो देखो हमारा अर्निंग पर शेयर कितना? 1.60 रुपीज से इंक्रीज हुआ। 8.64 रुपीज बिजनेस पे री इन्वेस्ट किए, वापस उसके ऊपर हमने 20% कमाया, यानी 1.728 हमने कमाया उसके ऊपर। सो वी कैन कंप्यूट द ग्रोथ रेट बाय यूजिंग दिस सिंपल इक्वेशन, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर। बी स्टैंड फॉर रिटेंशन रेशियो, इंटू आर स्टैंड फॉर रेट ऑफ अर्निंग। चलो राइट ऑन दिस, जी स्टैंड फॉर ग्रोथ रेट, बी स्टैंड फॉर रिटेंशन रेशियो, एंड आर स्टैंड फॉर रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी। प्लीज राइट एन आंसर। ना जो हमने डिविडेंड पर सॉरी अर्निंग पर शेयर के लिए, वैसा के वैसा हम लोग डिविडेंड पर शेयर के लिए कर सकते हैं। फॉर डिविडेंड पर शेयर, कॉलम नंबर 1 इज ईयर, कॉलम नंबर 2 इज डिविडेंड पर शेयर, 12.96 एंड 13.9968। So next is a change in dividend per share. 12 to 12.96. So there is an increase by 96%. -12.96 1.0368. So now we'll compute the growth rate accordingly. 96 paise का increase है over 12 rupees. So for every 100 rupees कितना increase हुआ, वो calculate किया जाएगा, and that comes to again 8%. Logic is very simple. The rate at which the earning per share is increasing itself is the rate at which the dividend per share will increase. क्यों? क्योंकि जो dividend payout ratio है ना वो same है।
तो जो रेट से हमारा अर्निंग बढ़ेगा वही रेट से डिविडेंड भी बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो सेम है। यू कैन मेक अ डिटेल वर्किंग लाइक दिस और अगेन यू कैन गो फॉर दैट शॉर्टकट वर्किंग। So 1.0368 upon 12.96 into 100, that comes to 8%. This is the way, so the growth rate will be found. So read on with paragraph. Always growth rate will be same forever, comma, if at all the company is having same rate of earning and same dividend payout ratio. So friends, perpetuity तक, forever this growth rate is going to remain same. अगर कंपनी का dividend payout ratio same रहेगा और कंपनी का rate of earning same रहेगा,